हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में देखेंगे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम्स क्या हैं। अ फेमस मैथमेटिशियन डी मॉर्गन इन्वेंटेड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑफ बूलियन एलजेब्रा। डी मॉर्गन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बूलियन एलजेब्रा की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को इन्वेंट किया। ओके, द टू थ्योरम्स यूजेस द रूल्स फॉर एंड नॉट एंड और फंक्शंस, और ये दोनों थ्योरम्स एंड नॉट एंड और फंक्शंस के रूल्स को यूज करती हैं। ओके, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शंस वन बूलियन एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। एक बूलियन एक्सप्रेशन दूसरे बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज फंक्शन, राइट? एंड नॉट एंड और फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, अब हम देखेंगे डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम क्या है। ओके, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर एंड देन कॉम्प्लीमेंटेड, अगर आप दो या दो से ज़्यादा बूलियन वेरिएबल पर एंड फंक्शन अप्लाई करते हो और उसके बाद उसको कॉम्प्लीमेंट कर देते हो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ए एंड बी आपके पास दो बूलियन वेरिएबल है, उन पे आपने क्या किया है, पहले उनके बीच में एंड फंक्शन अप्लाई किया है। जो डॉट है वो किसका फंक्शन है, वो किसका सिंबल है, एंड फंक्शन का, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, राइट? तो ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द ऑर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल। ये किसके इक्वल है, और फंक्शन अप्लाई होगा और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, मतलब आपके जो दोनों वेरिएबल हैं उसके उसको क्या करना है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना है एंड देन उनका क्या, उनके बीच में कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा, और फंक्शन लिखा हुआ है ना, इट इज इक्वल टू द और ये प्लस किसका सिंबल है, और का, और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, जो दोनों वेरिएबल हैं वो दोनों क्या हैं, दोनों का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, राइट? तो फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या कह रही है कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में एंड ऑपरेटर या एंड फंक्शन अप्लाई करते हो और उसके रिजल्ट को आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, तो ये किसके रिजल्ट के इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा कि अगर आप दोनों वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर देते हो, राइट? ओके, एंड दोनों के बीच में आप कौन सा फंक्शन अप्लाई करते हो, आप और फंक्शन अप्लाई करते हो, राइट? अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसको देखो, सबसे पहले एक मेथड होता है आपका ट्रुथ टेबल के थ्रू, राइट? आपके पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, ओके, कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये हमारे पास फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, टू रेस टू पावर टू हो गया, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे आपके, फोर कॉम्बिनेशन बनेंगे, ओके? तो फर्स्ट टू जीरो आ गए एंड सेकेंड आपके पास वन आ गए, सेकेंड टू आपके पास वन हो गए आ गए, ठीक है? ऐसे आप ट्रुथ टेबल क्रिएट करते हैं। मैंने ये ट्रुथ टेबल जब बनाना सिखाया था, आपको बताया था कैसे बनानी है, राइट? अब देखो, सेकंड जो आपका वेरिएबल है बी, उसमें आप क्या करोगे, वन जीरो, ओके, एंड वन वन, वन जीरो एंड वन वन, ठीक है? अब आपके दो वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं, राइट? ओके, अब हमें क्या करना है, ए एंड बी हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना है एंड फंक्शन, ओके? एंड फंक्शन अप्लाई कर दिया, एंड फंक्शन में क्या होता है, जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू वन है तभी आपके पास वन आएगा, अदरवाइज आपके पास जीरो आएगा, तभी तो आपको एंड फंक्शन को क्या कहा जाता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो जीरो 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 आ गया आपके पास, ठीक है? जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, वन कब आएगा, जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वन होगी, राइट? तो ये आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, किसका आ गया, दो वेरिएबल के बीच जब आपने एंड फंक्शन को अप्लाई किया है, राइट? अब आपको क्या करना है, एंड फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या होता है, आप इसको रिवर्स कर दोगे, जो भी रिजल्ट आया है उसको आप रिवर्स कर दोगे। कॉम्प्लीमेंट किसका सिंबल होता है, ये आपका नॉट ऑपरेटर का होता है, राइट? कॉम्प्लीमेंट का मतलब आप इसको उल्टा कर दोगे, राइट? ओके, अब यहाँ पर आपने क्या किया, ज़ीरो का हो गया आपके पास वन, वन वन एंड ज़ीरो हो गया आपके पास, जो फर्स्ट वैल्यू थी, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू थी वो आपके पास आ चुकी है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास क्या है, वन 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 ज़ीरो, ओके? अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है क्या ये इक्वल है, किसके इक्वल है, और ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या किया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या, ए की वैल्यूज़ क्या है, जीरो जीरो वन वन, तो हमने क्या किया, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया, इसका रिवर्स कर दिया, ओके? तो ये हमारे पास क्या है, वन वन जीरो जीरो, फाइन। फिर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का क्या है, जीरो का हो गया आपका वन, वन का आपके पास हो गया जीरो, ठीक है? उसका अपोजिट करना है आपको, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में और फंक्शन को अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे और फंक्शन अप्लाई किया। अच्छा, जब आप और फंक्शन अप्लाई करते हो तो अगर दोनों में से एक भी वेरिएबल की वैल्यू वन है,
तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, 1 मिलता है. ओके, अगर दोनों वेरिएबल 0 हैं उस केस में 0 आएगा, अदरवाइज अगर किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो आपके पास 1 आएगा. तो 1 1 1 आ गया आपके पास, 1 0 1 आ गया आपके पास, 0 1 1 आ गया आपके पास, n 0 आ गया, राइट. अब यहाँ पे देखो आप, a डॉट b बार का रिजल्ट क्या था, 1 1 1 0 एंड a कॉम्प्लीमेंट, ओके, प्लस b कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट भी क्या है, 1 1 1 0. दोनों का रिजल्ट सेम है. तो यहाँ पे आपने डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम को प्रूव कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल, राइट. तो फर्स्ट थ्योरम क्या थी, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर एंड एंड कॉम्प्लीमेंटेड, अगर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल में आप एंड फंक्शन अप्लाई करोगे और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, मतलब दोनों वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट आप निकालोगे और उनके बीच में जब और फंक्शन अप्लाई करोगे. तो यहाँ पे आपकी जो ये फर्स्ट थ्योरम है डी मॉर्गन की, उसको आपने ट्रुथ टेबल की हेल्प से वेरीफाई कर दिया है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या है, इक्वल है, फाइन. अब देखेंगे और इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं. अब देखो, गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, अगर आप गेट की फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो आप कैसे करोगे. तो यहाँ पे देखो, आपने क्या किया, दो वेरिएबल लिए हैं ए बी, उस पर आपने क्या अप्लाई किया है, एंड फंक्शन अप्लाई किया है, राइट. आपने एंड फंक्शन अप्लाई कर दिया, देन आपने क्या किया है, नॉट फंक्शन को अप्लाई किया है, तो आपके पास आ गया ए बी बार, राइट. ये आपका ए बी बार आ गया. अब आपको ये किसके इक्वल शो करना है, आपको शो करना है ए बार प्लस बी बार, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, पहले आपने ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ओके, एंड ये आपका ए बार आ गया, बी बार आ गया, एंड देन आपने इन दोनों को कहाँ अप्लाई कर दिया, आपने इसको अप्लाई कर दिया और गेट के अंदर, और गेट के अंदर अप्लाई कर दिया, राइट. तो आपका आ गया ए बार प्लस बी बार, ओके. तो ये आपने क्या किया, गेट के फॉर्म में शो किया है डी मॉर्गन की फर्स्ट थ्योरम को, कि ए बी बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार, दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ डी मॉर्गन, ओके. नाउ वी हैव प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम. यहाँ पे हम डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय यूजिंग बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, राइट. तो आपको पता है डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम क्या है, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर एंड एंड कॉम्प्लीमेंटेड, जब दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के ऊपर एंड फंक्शन अप्लाई करते हैं और उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है. और ऑफ द, और यहाँ पे और फंक्शन अप्लाई होगा, और ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल, ईच वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होगा, उनके बीच में और फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, राइट. वी नो दिस थ्योरम. अब इसको प्रूफ करेंगे, राइट. अगेन टू प्रूव दिस थ्योरम वी विल मेक यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ. तो यहां पे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आप कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ का यूज करेंगे. तो कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ क्या है, ये लॉ है जब एक बूलियन वेरिएबल, यहां पे देखो एग्जांपल से देखो, व्हेन एक्स प्लस एक्स बार, अगर एक वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट के बीच में आप क्या अप्लाई करते हो, आप और फंक्शन अप्लाई करते हो, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1, ठीक है. एक्स एक वेरिएबल है, ओके, एंड आपने क्या है, एक्स प्लस एक्स बार, राइट. जब आप एक वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में और फंक्शन अप्लाई करते हो तो रिजल्ट आएगा 1, ओके. ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, ओके. और सेकंड इसका जो लॉ है वो क्या है, जब आप एक वेरिएबल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड फंक्शन अप्लाई करते हो, राइट, तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 0, ओके. तो इस लॉ को यूज़ करके आप डी मॉर्गन्स की फर्स्ट थ्योरम को प्रूव करेंगे, फाइन, ओके. तो ये आपने अच्छे से देख लिया, व्हेन एक्स प्लस एक्स, अगर आप एक्स प्लस एक्स बार करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा 1, अगर आप एक्स इंटू एक्स बार करते हो, ठीक है, तो इसका रिजल्ट आएगा 0, ओके. यहाँ पे प्लस क्या है, और फंक्शन है, एंड यहाँ पे डॉट क्या है, एंड फंक्शन है, राइट. अब हमने एक वेरिएबल लिया पी, पी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई, ठीक है. हमने पी को क्या वैल्यू दी, एक्स डॉट वाई, ओके. एंड आपने पी, अगर आपने पी की वैल्यू दी है एक्स डॉट वाई, तो पी जो आपका पी कॉम्प्लीमेंट है, पी बार है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स डॉट वाई बार, ओके. एक वेरिएबल लिया आपने पी और उसकी वैल्यू आपने क्या इनिशलाइज कर दी, उसकी आपने इनिशलाइज कर दी एक्स डॉट वाई, राइट. एक्स डॉट वाई आपने इसकी वैल्यू दे दी है, तो अगर आपने पी की वैल्यू एक्स डॉट वाई दी है, तो पी बार की वैल्यू क्या होगी, एक्स डॉट वाई बार, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डॉट वाई, ओके. नाउ पी एक्स वाई आर द लॉजिकल वेरिएबल्स. तो यहाँ पे हमारे पास पी एक्स एंड वाई क्या है, आप कह सकते हो लॉजिकल वेरिएबल्स हैं या बूलियन वेरिएबल्स हैं, ओके.
देन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, अब हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ हमारे पास क्या है, एक्स प्लस एक्स बार इज इक्वल टू वन एंड एक्स इंटू एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो वी हैव। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्या किया, वी हैव, अब यहाँ पे देखो हमने इस लॉ को फॉलो किया तो अब यहाँ पे हमने एक्स की जगह क्या ले लिया, पी, पी प्लस पी बार इज इक्वल टू वन एंड पी इंटू पी बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। और पी की वैल्यू हम पहले ले चुके हैं, एक्स डॉट वाई ले चुके हैं, ओके। सिंपली हमने क्या किया है, पी को पुट किया है कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ के अंदर, ठीक है, पी प्लस पी बार इक्वल टू इज इक्वल टू वन एंड पी डॉट पी बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। अब सब्सटीट्यूट एक्स डॉट वाई फॉर द पी, अब हम क्या करेंगे, पी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे एंड पी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो इसको देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे पी के प्लेस पर हमने उसकी वैल्यू लगा दी एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार, ठीक है, पी प्लस पी बार एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार इज इक्वल टू वन, ठीक है, पी की वैल्यू आपने प्लेस कर दी है। ऐसे यहाँ पे एक्स डॉट वाई इंटू एक्स डॉट वाई बार इज इक्वल टू ज़ीरो, ओके। बट अकॉर्डिंग टू द, लेकिन हमारी डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है, एक्स डॉट वाई बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, तो डी मॉर्गन थ्योरम हमारी ये है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम को जो भी अबव एक्सप्रेशन आया है उसमें अप्लाई कर देंगे। हमारा अबव एक्सप्रेशन क्या है, एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई या एक्स डॉट वाई बार इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो एक्स डॉट वाई बार आपका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है आपका एक्स बार प्लस वाई बार। तो हमने यहाँ पे एक्स डॉट वाई बार के प्लेस पे लिख दिया एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू वन, राइट। ये हमारा आ गया फर्स्ट थ्योरम में, हमने इसको अप्लाई कर दिया, डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया फर्स्ट एक्सप्रेशन में। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या है आपका, एक्स डॉट वाई, ये जो डॉट क्या है वो एंड फंक्शन है, इसको याद रखना, ठीक है, एक्स डॉट वाई, ओके, डॉट एक्स डॉट वाई बार इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स डॉट वाई आपका क्या होता है, एक्स बार प्लस वाई बार, तो हमने यहाँ पे एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू जीरो, दोनों के अंदर आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब इसको प्रूव करेंगे वन बाई वन, राइट। तो फर्स्ट पार्ट आपका ये है, ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट को हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, एक्स वाई प्लस आपका क्या है, एक्स बार प्लस वाई बार, राइट, ओके। अब यहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले अप्लाई करेंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई को आप वाई प्लस एक्स भी लिख सकते हो, या एक्स डॉट वाई को आप वाई डॉट एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लो ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है, तो हम इसको वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वाई को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स बार प्लस वाई बार प्लस एक्स वाई, ठीक है, आपने क्या किया, इनका प्लेस चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, अगर आपने एक्स को प्लस किया है वाई जी से, तो आप ये इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पहले एक्स प्लस होगा वाई से, एक्स प्लस वाई, फिर एक्स आपका प्लस होगा जी से, एक्स प्लस जी, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू इंटू एक्स प्लस जी, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया था एक्सप्रेशन एक्स बार प्लस वाई बार, ओके, प्लस वाई एक्स वाई। तो जो हमारा एक्स बार प्लस वाई बार है, हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हम इसको एक्स कंसीडर करेंगे। तो पहले ये किससे प्लस होगा, ये पहले प्लस होगा एक्स से, ठीक है, फिर ये प्लस होगा वाई से। देखो पहले आपने एक्स बार प्लस वाई बार को प्लस किया एक्स से, इंटू एक्स बार प्लस वाई बार को आपने प्लस किया वाई से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने लगा दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्स को एक साइड में ले आएंगे, एक्स प्लस एक्स बार प्लस वाई बार, राइट, एक्स बार प्लस वाई प्लस वाई बार, ठीक है, हमने एक्स एंड एक्स बार एंड वाई एंड वाई बार को एक साइड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ लगाएंगे, वो क्या है, एक्स प्लस एक्स बार वन होता है एंड एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बार आपका जीरो होता है। तो हमारा एक्स प्लस एक्स बार है वो वन हो गया, वाई प्लस वाई बार है वो भी वन हो गया, राइट, ओके। अब देखो अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ वन का यूज़ करेंगे। वन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर वन प्लस एक्स है तो रिजल्ट वन आएगा, वन प्लस एक्स बार है तो आपका रिजल्ट वन आया, वन प्लस एक्स यहाँ पे सॉरी वन प्लस वाई बार है तो आपका रिजल्ट वन आया, एक्स बार प्लस वन है तो भी रिजल्ट आपका वन आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो वन प्लस एक्स आपने किया तो वन आया है, अगर वन इंटू एक्स करते तो आपका एक्स आता,
यहाँ पे इंटू नहीं है, प्लस हुआ है तो वन वन आ गया। अब वन इंटू वन क्या आता है, होता है आपका वन होता है। तो हमारी जो फर्स्ट पार्ट थी थ्योरम का वो प्रूव हो गया है, ठीक है। आपका वन आ गया रिजल्ट, तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट आपका क्या है, एक्स वाई इंटू आपका क्या है, एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब आपने इसको क्या किया, कॉम्यूटेटिव लॉ की अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखो एक्स वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई बार आपने कर लिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका क्या कहता है, अगर आपका एक्स इंटू वाई प्लस डी है, तो यहाँ पे एक्स वाई हम एक्स कंसीडर कर रहे हैं, वाई प्लस डी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स वाई प्लस एक्स डी ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स वाई किस सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आपका एक्स बार के साथ प्लस एक्स वाई, वाई सेकेंड टाइम वो किससे मल्टीप्लाई होगा, वाई बार के साथ, वाई बार, ठीक है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हमने कर दिया एक्स वाई एक्स बार एक्स वाई वाई बार, ठीक है। प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा, तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस जो आपका एक्स एंड एक्स बार है आप उसको आपने एक साइड में कर दिया वाई, ओके। एंड यहाँ पे देखो वाई प्लस, देखो एक्स एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई 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 बार, ओके। अब आपको पता है यहाँ पे देखो अगर x इंटू एक्स बार है तो ज़ीरो हो जाएगा, तो x इंटू एक्स बार आपका ज़ीरो हो गया एंड y इंटू वाई बार भी आपका ज़ीरो हो गया, राइट। और अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी आप किसी भी वेरिएबल को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब इंटू कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो इंटू वाई ज़ीरो हो गया एंड ज़ीरो इंटू वाई आपका ज़ीरो हो गया, ज़ीरो प्लस ज़ीरो आपका ज़ीरो हो गया। तो आपका सेकेंड जो पार्ट था वो भी प्रूव हो गया डी मॉर्गन्स के फर्स्ट थ्योरम का, राइट। अब हम करेंगे डी मॉर्गन्स की सेकंड थ्योरम, ओके। अकॉर्डिंग टू द सेकंड थ्योरम गिवन बाय द डी मॉर्गन, व्हेन टू और मोर वेरिएबल्स आर, और अगर आप दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में और फंक्शन अप्लाई करते हो एंड देन कॉम्प्लीमेंटेड, आपने क्या किया, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में और फंक्शन अप्लाई किया और उसके रिजल्ट को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए प्लस बी और उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, तो ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू द एंड ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच वेरिएबल इंडिविजुअली, राइट। तो ये किसके इक्वल है, जब आप उन वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंट के बीच में एंड फंक्शन को अप्लाई करोगे, राइट। ए प्लस बी बार का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल होगा, ए बार इंटू बी बार के इक्वल होगा, राइट। तो पहले हम इसको ट्रूथ टेबल की हेल्प से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, ए की वैल्यूज हैं 0011 एंड बी की वैल्यू है 0101, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में और फंक्शन को अप्लाई करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। तो और फंक्शन का क्या आपके रूल्स होते हैं, आपका रिजल्ट ज़ीरो तभी आएगा जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ज़ीरो होगी, अदरवाइज वन आएगा। तो 0000 0011 0011 एंड 0011, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो ज़ीरो के प्लेस पे वन आ गया, बाकी आपका जहाँ पे वन 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 था वहाँ ज़ीरो 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 आ गया है आपका। तो ये हमारा ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी बार का आपका रिजल्ट आ गया है, राइट। अब हमें इसको किसके इक्वल शो करना है, ए बार इंटू बी बार के इक्वल शो करना है, तो हम क्या करेंगे, ए को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, बी को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। ए की वैल्यू को आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जीरो जीरो के प्लेस पे वन वन आ जाएगा और वन वन के प्लेस पे आपका जीरो जीरो आ गया। ऐसे ही आपने बी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया 1010, राइट। अब इन दोनों के बीच में आपको क्या अप्लाई करना है, आपको एंड फंक्शन अप्लाई करना है। तो एंड फंक्शन में का जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इनकी वैल्यू वन तभी आएगी जब दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू वन होगी, अदरवाइज ज़ीरो। तो 1 1 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0, ठीक है। तो आपका रिजल्ट आ गया 1 0 0 0। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये ए प्लस बी बार के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रुथ टेबल की हेल्प से तो ये प्रूव कर दिया है कि ए प्लस बी बार का जो रिजल्ट होगा वो ए बार इंटू बी बार के इक्वल होगा, राइट। हमने ट्रुथ टेबल की हेल्प से इसको शो कर दिया। अब अगर आपको आप इसको गेट की फॉर्म में शो करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल हैं ए बी, जिनको आपने एंड सॉरी जिनको आपने और गेट के अंदर अप्लाई किया है, ठीक है। और तो यहाँ पे रिजल्ट आया आपका ए प्लस बी, राइट। फिर आपने नॉट यहाँ पे लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, तो आपका रिजल्ट आ गया ए प्लस बी बार। तो ये नॉर गेट एक्चुअल में ये क्या है, नॉर गेट है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी लेकर उसे कहाँ अप्लाई किया है, एंड गेट में अप्लाई किया है, ठीक है। एंड गेट में अप्लाई किया है तो आपका क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इनटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या आपका डी मॉर्गन्स की सेकंड थ्योरम का गेट इम्प्लीमेंटेशन है।
अब हम डी मॉर्गन्स की सेकंड थ्योरम को यूज़ करेंगे बूलियन एलजेब्रा की बेसिक थ्योरम्स को यूज़ करके, ठीक है। तो हमारे पास डी मॉर्गन की सेकंड थ्योरम है एक्स प्लस वाई बार इक्वल्स टू एक्स बार इंटू वाई बार, राइट। टू प्रूव दिस थ्योरम वी विल यूज़ द कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ। यहाँ पर भी हम कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ का यूज़ करेंगे, जो क्या कहता है कि एक्स प्लस एक्स बार इक्वल्स टू वन एंड एक्स इंटू एक्स बार इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अ लॉजिकल वेरिएबल एक्सप्रेशन व्हेन एडेड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को उसके कॉम्प्लीमेंट से ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा वन, व्हेन मल्टीप्लाइड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इट प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज जीरो। अगर हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया पी और पी की वैल्यू आपने ले ली एक्स प्लस वाई, राइट। ओके, अब आपके पास तीन वेरिएबल्स हो गए पी एक्स एंड वाई, ये क्या है, बूलियन वेरिएबल्स हैं। देन अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, अब हमने क्या किया, पी की वैल्यू को पुट कर दिया कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ के अंदर। कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ क्या है, एक्स प्लस एक्स बार इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पी प्लस पी बार इक्वल्स टू वन एंड पी इंटू पी बार इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब पी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई, राइट। तो जहाँ पे पी की वैल्यू है वहाँ पे आप क्या कर दोगे, एक्स प्लस वाई, और जहाँ पे पी कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वन, यहाँ पे हमने क्या किया, पी की वैल्यू को पुट किया है, ऐसे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू जीरो, राइट। बट हमारी डी मॉर्गन्स की थ्योरम क्या कहती है, सेकेंड थ्योरम क्या है, एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट, ये हमारी डी मॉर्गन्स की थ्योरम है। तो हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट की जगह आप लिख दोगे एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट। सेम यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, जो आपका ये था सेकेंड पार्ट एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट था, इसके प्लेस पे आपने एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई कॉम्प्लीमेंट पुट कर दिया। जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें भी हमने क्या किया है, डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई किया है, देखो यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई किया है। ऐसे जो हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें भी हमने डी मॉर्गन थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, फाइन। अब इसको हम क्या करेंगे, वन बाय वन प्रूव करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बार इंटू वाई बार इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई जी अगर आपका है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स प्लस वाई है वो एज अ एक्स कंसीडर होगा, राइट। तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बार पहले इसके साथ आया इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई बार, फिर ये किसके साथ आया, ये वाई के साथ आया, राइट। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स प्लस एक्स बार को एक तरफ कर दिया प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार, इनको एक साथ कर दिया। अब देखो एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, वन होता है, तो एक्स प्लस एक्स बार आपका वन हो गया एंड वाई प्लस वाई बार भी आपका वन हो गया, ठीक है। अब वन प्लस एक्स आपका क्या होगा, वन होता है, तो वन प्लस वाई आपका वन हो गया, एक्स प्लस वन आपका वन हो गया, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टी ऑफ वन को अप्लाई कर दिया, वन इंटू वन आपका क्या हो गया, वन हो गया। तो आपका देखो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट को प्रूव करेंगे। सेकेंड पार्ट का आपका क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स इंटू आपका एक्स प्लस वाई इंटू क्या है आपका एक्स बार इंटू वाई बार, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, हमने इसको ऐसे किया, राइट। अब यहाँ पे हम कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, आपका x प्लस वाई को आप y प्लस एक्स भी लिख सकते हो एंड x इंटू वाई को आप y इंटू एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका प्लेस चेंज कर दिया, x प्लस वाई को हमने क्या कर दिया, y प्लस एक्स, या सॉरी आपने क्या किया, x इंटू वाई को आपने कर दिया y इंटू एक्स। तो ये हमारा, मान लो ये हमारा x था, ये हमारा y था, तो अब हमारा क्या आ जाएगा, y इंटू एक्स, ऐसे आ जाएगा y इंटू एक्स, ठीक है। प्लेस चेंज हो गया, तो आपका एक्स वाई एक्स बार वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई आ गया, राइट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप अब मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स बार वाई बार एक्स, ओके, प्लस एक्स बार वाई बार वाई, ओके। यहाँ पे ये क्या है आपका, एक्स बार वाई बार एक्स एंड एक्स एक्स बार वाई बार वाई। तो आपका यहाँ पे देखो x इंटू एक्स बार क्या होता है, जीरो होता है, x इंटू एक्स बार आप एक तरफ ले आओगे और y बार एक तरफ आपका आ गया, देन y x बार y इंटू वाई बार, ठीक है, y इंटू वाई बार। तो x
इंटू एक्स बार आपका हो गया जीरो एंड वाई इंटू वाई बार भी आपका क्या हो गया जीरो। और आप अगर किसी को जीरो से क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है जीरो, किसी भी बुलियन वेरिएबल को जीरो इंटू वाई बार आपका हो गया जीरो ओके एंड एक्स बार इंटू जीरो भी आपका क्या हो गया जीरो, तो आपका रिजल्ट आ गया जीरो। तो यहाँ पे आपकी सेकंड थ्योरम भी प्रूव हो गई है राइट। तो इस तरीके से आपने बूलियन जो आपका डी मॉर्गन था उसकी सेकंड थ्योरम को भी प्रूव कर दिया है ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।